पैटर्न्स की बात, मतलब बिल्डिंग विद ब्रिक्स, तो यू नो बिल्डिंग ना, सब लोग जानते हैं बिल्डिंग। यस सर, यस सर। अच्छा बिल्डिंग बनी किससे है? बिल्डिंग कैसे बनी है? यू नो ना, वन बाय वन ब्रिक्स का अगर हम उसको ज्वाइन करें वन बाय वन, तो बिल्डिंग हमारा एक कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एक वॉल तैयार हो जाएगी, जिसके द्वारा हम एक बिल्डिंग बना पाएंगे। लाइक अगर हम देखें, दिस इज अ वन ब्रिक्स, वी ज्वाइन अनदर ब्रिक्स, नाउ वी ज्वाइन अनदर ब्रिक्स, सो दिस वे टू कंप्लीट अ वॉल। सो देर इज अ पैटर्न ऑफ वन टू फिर वन, तो ये भी एक क्या है, हमारा पैटर्न है। अगर हम बिल्डिंग विद ब्रिक्स की बात करें, दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न। बड़े जो भी और स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ रहे हैं, सभी लोग अपना नाम अपने चैट बॉक्स में जरूर लिख दें फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। और कहीं अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डिटेल तुरंत आंसर कर सकते हैं और बोल सकते हैं। सो एवरीवन नोज द ब्रिक्स ना, सो ब्रिक्स हमने अगर जान लिया ब्रिक्स क्या है, एक तरह से हम इसे पैटर्न बना सकते हैं लाइक दिस वे ऑल्सो। क्या इस तरह का फ्रेम कर सकते हैं आप लोग पैटर्न? क्या सभी लोग इस तरह का पैटर्न फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने आप? बेटा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा बेटा आपको? सर मुझे ब्लैक बोर्ड तो दिखाई दे रहा है, पर उसको आपने जो बताया है वो मुझे नहीं दिख पा रहा है। ओके चलो ठीक है, मैं उसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। आप दिख रहा है क्या? देखो थोड़ी। हाँ तो बेसिकली बेटा ब्रिक्स जैसे आपका घर बनाया आपने आसपास से बिल्डिंग, नहीं दिख रही है सर स्क्रीन, नहीं दिख रही आप, दिखाई दे रही है स्क्रीन तो चल रही है नो। बेटा स्क्रीन तो सामने बोर्ड है और हाँ। क्लियरली बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा है। अच्छा तो अब हमने ये ब्रिक्स तो देख लिया, ब्रिक्स के ऊपर हमने कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ फोटो दिख रही है हमने चीज। हाँ बेटा बोर्ड है उसमें लिखा, मैं चलो ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ आपको, नाउ क्लियर होगा। नाउ दिस इज लाइक अ ब्रिक्स राइट, दिस इज लाइक अ ब्रिक्स ना। यस सर। सो इफ दिस इज अ ब्रिक्स, सो कैन यू टेल मी द हाउ मेनी फेसेस ऑफ दिस ब्रिक्स? Who tell me? कौन बताएगा इसके फेसेस कितने हैं? कितने फेस है इस ब्रिक्स के? कितने फेस है बेटा इस ब्रिक्स के, बताएंगे आप? Yes. अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, कोई नहीं हम रिविजन कर रहे हैं ना। देखिए फेस क्या होता है बेटा, देखो सामने स्क्रीन पे देखो, फेसेस बेसिकली किसे कहते हैं, जो ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स मान लो हमने ऐसे पकड़ा ब्रिक्स ठीक है, तो ये एक सामने फेस दिख रहा है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा फेस, तो वन फेस ये हो गया ब्रिक्स का। फिर अगर इसको मूव करेंगे तो अनदर फेस, अगेन अनदर फेस, अगेन अनदर फेस, सो वन टू थ्री फोर, फोर फेसेस तो ऐसे हो गए। अब हमारे पास ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो यहां पर देखिए यहां पे भी फेस दिख रहा है और एक फोल्ड यहां से कर दिया, तो हाउ मेनी फेसेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने फेस हुए? सिक्स फेसेस। किसी भी जो ब्रिक्स है, कोई ब्रिक्स है उसके कितने फेस होंगे? सिक्स फेसेस होंगे। ओके सो अबाउट द ब्रिक्स हमने जान लिया, अब ब्रिक्स के बाद जानते हैं कि
इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तीन चीजें क्या है। तो पहला क्या है, हाइट। क्या है हाइट, क्या है हाइट। तो ब्रिक्स की हाइट कितनी ऊंची है ना, कहते हैं ना दीवार कितनी ऊंची है, तो कैसे बनी वो, एक एक ब्रिक्स को जोड़ने के बाद, पैटर्न बनाने के बाद। तो दूसरे बात करते हैं वाइड, तो वाइड कितना है, वाइड। अच्छा ऐसे कहते हैं ना वाइड कितना चौड़ा है, ये हाइट हो गया वाइड। और एक होता है जिसको कहते हैं लॉन्ग, लेंथ। क्या कहते हैं, लेंथ। तीसरा हो गया लेंथ। तो हमारे पास ये लेंथ हो गई, सबको दिखाई दे रहा है, yes, sir. तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये इसका हाइट हो गया। तो तीन चीजें हमने ब्रिक्स में जानना था कि लेंथ किसे कहते हैं, वाइड किसे कहते हैं, और फिर हाइट किसे कहते हैं। तो इन तीनों चीजों से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से हम ब्रिक्स का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। ये क्या है, ब्रिक्स है। अगर एक ब्रिक्स, मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, एक ब्रिक्स अगर आपका 10 रुपीज का आता है, एक ब्रिक्स 10 रुपीज का है, तो टू ब्रिक्स कितने के होंगे। यस यस, आंसर मी, वन ब्रिक्स 10 रुपीज। सो टू ब्रिक्स के कितने रुपीज होंगे, 20 रुपीज। वेरी गुड। अच्छा अनदर वन, यस के अलावा किसने आंसर दिया था, नाम, टेल मी योर नेम बेटा, आपका नाम बताओ। शिखा। शिखा, ओके। सो नाउ यू अंडरस्टूड ना कि वन ब्रिक्स, अगर हमारा एक ब्रिक्स कितना 10 रुपीज का है, तो दूसरा दो ब्रिक्स कितना होंगे, 20 रुपीज। गुड। चलिए अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। सर अच्छा बेटा, एक है ना हमने बना दिया, एक ओल्ड ब्रिक्स है, कौन सा ब्रिक्स है, ओल्ड, और एक न्यू है, ओल्ड, एक न्यू है। तो ओल्ड में क्या है, ओल्ड ब्रिक्स जो है हमारा है, उसका जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है, कितना है, हमने ओल्ड जो हमारा ब्रिक्स है उसका हमने कितने रुपए लिया, 5 रुपीज है। तो अगर 5 रुपीज है ओल्ड ब्रिक्स का, और न्यू ब्रिक्स का मैंने कहा 10 रुपीज है, नाउ टोटल बताओ कितना रुपीज हुआ, 15 रुपीज। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक, ओल्ड यहाँ पर 5 रुपीज है और न्यू का 10 रुपीज, तो ऐड करके कितना हो गए, 15। अब मैं जिससे पूछूंगा आज क्वेश्चन वही बताएगा। अगर मेरे पास 2 ओल्ड है और 2 न्यू है, तो बेटा कितना कॉस्ट होगा, जल्दी से बताओ। सिखा, 2 ओल्ड ब्रिक्स हैं, उनका कॉस्ट कितना होगा, 2 न्यू का कितना होगा। तो सबसे गुड, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड का कितना होगा, 5 है, तो ये 2 है, 5 2 जा 10, कितना रुपीज हो गया, 10। और इसका कितना है, 10 है, तो 10 2 जा 20, 20। गुड, और टोटल हमारा हो गया 30 रुपीज। नाउ यू अंडरस्टैंड ना, यस सर, सबको समझ में आ गया, यस सर, गुड, यस सर। चलिए तो इसके बेसिस पे मैं ना कुछ आपको अभी क्वेश्चंस भी दूंगा बेटा, ठीक है, उस क्वेश्चंस को फिर घर पे करना है होमवर्क में। तो चलिए हमने बात कर ली जो हमें पढ़ना था, रिविजन करना था फर्स्ट चैप्टर में, बिल्डिंग विद द ब्रिक्स। अब हम बात करते हैं अनदर सेकेंड चैप्टर जो है हमारा, चैप्टर क्या है सेकेंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्या है चैप्टर का नाम, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, यस। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट की चैप्टर की बात करते हैं, किस तरह से हमने उसमें रिवीजन करना है और क्या देखना है।
बेटा कहीं भी वो अंडरस्टूड ना हो, समझ में ना आए, तुरंत क्लियर बोल देना, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ सेकंड वन इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट में हम देखें तो आप सबसे पहले, आपने जब खेलते होंगे आप तो कई बार लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन द फ्लोर, तो आप देख रहे होंगे, मान लो मुझे बताइएगा आप लोग, ये लाइन है ठीक है, और एक अनादर एक और लाइन है, और इसमें लाइन का नाम दे रहा हूं, इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन का नाम है एम, जिसे पूछूंगा बताएगा। बेटा इसमें से शिखा आप बताओ, इसमें से विच लाइन इज बिगर, कौन सी लाइन बड़ी है, एल या एम? एम लाइन, ठीक है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टेल मी द, जो स्टूडेंट जुड़े हैं, पहला तो एक सिखा हो गई, दूसरा यस हो गए, और तीसरा नाम क्या है? प्रेम। प्रेम और भी हर्षिता और वन मोर स्टूडेंट। ओके हर्षिता, नाउ यू टेल मी Which line is bigger? Harshita, tell me which line is bigger? Harshita, अच्छा yes आप बताइए, which line is bigger? Sir, I'm wrong. नहीं, दिस वन सेकंड क्वेश्चन में बेटा, सेकंड क्वेश्चन में, नीचे दूसरा क्वेश्चन में। अच्छा थोड़ा डार्क कर देता हूं, नाउ टेल मी अब विच लाइन इज बिगर, दिस लाइन इज बिगर। अच्छा बड़ा बड़ा लिख देते, चलो आप बताओ। एन लाइन, वेरी गुड, एन लाइन इज बिगर। सो इस तरह से हम जब किसी लाइन्स को ड्रॉ करते हैं तो उससे हम डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस पता करते हैं, क्या पता करते हैं, डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, आप स्कूल जाते हैं, सब लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं ना, तो जब अपने घर से सब लोग स्कूल जाते हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं ना, क्योंकि हम जब घर से निकले स्कूल के लिए तो हमने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया। तो इस तरह से हम ना कोई भी एक छोटी सी लाइन या फिर हम कोई जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाके हम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, और उसे हम समझ पाते हैं कि नहीं हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या फिर 500 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, है ना। सो एज पर योर डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द स्कूल एंड योर होम। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट की, योर हाइट। ओके, आपने कभी अपने घर में अपनी हाइट को मेजर किया है? कई लोग क्या करते, कई स्टूडेंट करते हैं, अपने फादर के साइड में खड़े रहेंगे और फिर अपना हाइट मेजर करेंगे, नाउ फादर मैं आपके शोल्डर तक पहुंच गया, मैं आपके एल्बो तक पहुंच गया, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं विद हाइट ऑल्सो, है ना। पहले तो हमने लेंथ मेजर किया, है ना, लाइन खींच के ये एक जगह से दूसरी जगह जाके, और दूसरा हमने क्या करा, अपना हाइट भी मेजर कर लिया कि कितना हम लंबे हो गए, है ना, कि मैं पापा बड़ा हो रहा हूँ, मैं आपके शोल्डर तक आ गया, एल्बो तक आ गया, या फिर घर में कोई वो विंडो है तो कहते हैं पापा मैं विंडो के आसपास पहुंच गया, उस दिन मैं विंडो टच कर जाऊंगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी हाइट भी मेजर करते हैं और फिर इस तरह से एक लेंथ मेजर करते हैं। दो चीजें हमने इसमें कंप्लीट करी, डिस्टेंस कवर्ड मीटर एंड किलोमीटर। अब हम बात करते हैं मीटर एंड किलोमीटर, मतलब जो यूनिट है, अब किसकी बात करते हैं, यूनिट की, तो यूनिट कैसे है, हम कैसे मेजर करते हैं, सबके पास स्केल है, ज्योमेट्री। चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पर वन दिखाई दे रहा है बेटा, वन लिखा है मैंने, वन बॉक्स भी लगा,
वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर. तो वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हंड्रेड सेंटीमीटर में. गुड. और मैं बोलूं कि आपका जो वॉल है, आपके घर का जो वॉल है वो 3 मीटर लंबा है, 3 मीटर लॉन्ग है, तो बताओ कितने सेंटीमीटर होगा? 300. गुड. सो हम क्या करते हैं, जब हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो जितने सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर में मालूम है और हमें जितने मीटर का फाइंड करना होगा, हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे. क्या कर देंगे? इनटू मतलब मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 300 सेंटीमीटर. गुड. ना अंडरस्टूड ना एवरीवन? बेटा कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए कि सर किस तरह से आपने निकाला या किस तरह से फाइंड किया. अच्छा, आप अगर अपने आसपास में पार्क है, पार्क जरूर जाते होंगे. अभी तो कोरोना की वजह से पैंडेमिक में हम कहीं नहीं जाते हैं बाहर घर से, बट जैसे अगर सही था पहले तो आप लोग पार्क जाते थे ना. सो पार्क जाते तो पार्क में हम लोग क्या करते हैं, या प्ले या फिर वॉक करते हैं ना. प्ले या वॉक तो करते हैं. तो जब हम वॉक करते हैं तो ऑल अराउंड करते हैं पार्क के, है ना. क्योंकि हर पार्क में क्या बना होता है, हर पार्क में बना होता है क्या पार्क, जिससे कि हम वो मान लो एक पार्क बना है, ठीक है, पार्क है, ठीक है. तो पार्क में हमारे देखना, पार्क में क्या बना होता है, फुटपाथ बना होता है, जिससे कि ऑल साइड में यहां पर इस तरह का बना होता है, इस तरह का फुटपाथ बना होता है पाथ, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं उस पे वॉक कर पाते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ हम पार्क के जा सकते हैं. क्योंकि बीच में ग्रासेस होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाथ यूज करते हैं. ओके. तो अगर पार्क, अगर आपसे बोला जाए, कोई बोले कि बेटा पार्क है ये, तो पार्क कितने एरिया में, पूछ ले आपसे, तो क्या कहेंगे आप कि पार्क किस तरह से भाई एरिया फाइंड करें, हम हमें तो पता नहीं है. तो आपको सबसे पहले करना क्या है, दो चीजें ध्यान रखनी है, टू थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज व्हाट, लेंथ. क्या लेंथ, किसका ध्यान रखेंगे हम, लेंथ का ध्यान रखेंगे. ओके. और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उसका हम विड्थ, जिसको ब्रेथ भी कहते हैं, है ना, वाइड, कितना चौड़ा है, इसका ध्यान रखेंगे. अगर हमें लेंथ पता है, चलिए हम इस पार्क की है ना लेंथ बताते हैं आपको. इस जो पार्क की है ना लेंथ है, ये है 100 मीटर. इस पार्क की लेंथ कितनी है, 100 मीटर है. और जो वाइड है वो है 50 मीटर, ठीक है. तो इसकी वाइड कितनी है पार्क की, 50 मीटर, और जो लेंथ है कितना, 100 मीटर. तो अब हमें, हमसे पूछा था क्वेश्चन कि बेटा एरिया ऑफ दिस पार्क, है ना, मतलब इस पार्क का एरिया क्या है. तो जब भी किसी पार्क का एरिया निकालना है या फिर हाउस का एरिया निकालना है या क्लासरूम का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें एक चीज और ध्यान रखना है, क्या कि वो शेप कैसा है, है ना, वो शेप कैसा है. तो पहला शेप, ये जो शेप है कैसा दिखाई दे रहा है आपको, कोई बता सकता है बेटा? ये शेप जो है, ये शेप आपको जो दिख रहा है, ये शेप है रेक्टेंगुलर शेप है. कैसा है?
रेक्टेंगल शेप है जो आपका बोर्ड है। चलिए बोर्ड बताइए, बोर्ड कैसा शेप है फिर? हर्षिता, हर्षिता बेटा बोर्ड बताओ, बोर्ड का शेप कैसा है? हर्षिता, अच्छा शिखा, शिखा बेटा शिखा बताइए इसका कैसा है, बताइए जल्दी से बेटा। ये रेक्टेंगुलर शेप है, कैसा है? हाँ प्रेम, यस, सबको समझ में आ गया? चलिए, जब रेक्टेंगुलर शेप हो किसी भी पार्क का या स्कूल का या क्लासरूम या तुम्हारा जो घर है उसका, तो आप क्या करेंगे, जब कोई रेक्टेंगुलर शेप्स है तो उसका अगर एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है। उस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, पहला है क्या, लेंथ दिया है, दूसरा विड्थ लिया है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ कितनी है, यस बताएगा लेंथ, यस लेंथ कितना है पार्क का? लेंथ 100। गुड, कितना है 100। अच्छा मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब मुझे बताएगा हर्षिता बताएगी बेटा विड्थ कितना है इसका, हर्षिता जल्दी बताइए, नहीं सुनाई दे रहा है, चलो ठीक है। तो आप प्रेम बताएगा, प्रेम बेटा 50 मीटर, गुड, चलिए हम 50 मीटर को लिख दिया मल्टीप्लाई में, जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए, 100 मल्टीप्लाई 50 कितना आ रहा है, फटाफट जल्दी से करिए। और आगे से हमेशा जब भी क्लास में बैठेंगे ऑनलाइन में तो आप अपना कॉपी और पेंसिल लेके बैठेंगे साथ में, जिससे कि आप इजीली मुझे आंसर दे पाए करके, ठीक है? टेल मी बेटा जल्दी, सिखा आंसर मी, जल्दी से आंसर मी, सर 5000। चलिए वेरी गुड, किसने बोला आंसर, आंसर किसने दिया, वेरी गुड प्रेम। चलिए देखिए, देखिए हम आसान तरीके से बता देते हैं कैसे मल्टीप्लाई हमें करना था इजीली। बेटा जब भी देखो कोई भी नंबर है ना, और वो नंबर अगर जीरो वाला टर्म है, कौन सा नंबर है जीरो वाला है, चाहे वो 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, तो हम क्या करते हैं, 5 और 1, 5 हमने 5 लिख दिया। तो नंबर ऑफ जीरो देखो, 1 0 2 0 और एक ये 3 0, ये हमने 3 0 काउंट लिख दिया, कितना हो गया 5000। तो कितना एरिया हो गया 5000, ठीक है? तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसपे आप घर पे सॉल्व करना, ठीक है? चलिए मैं अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारे इस चैप्टर में हमने तीनों चीजें देखनी। क्या आप लोगों ने कुतुब मीनार देखा है? नो सर। कुतुब मीनार नहीं देखा आपने? अच्छा, आज अपनी मैथ्स की बुक खोलेंगे, उसमें बना हुआ है कुतुब मीनार, ठीक है? तो आज जरूर देख लेना कुतुब मीनार, उसमें कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो आज कुतुब मीनार अपनी बुक में देख लेना, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, जो हमारा थर्ड चैप्टर था उसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है बेटा? किसके एंड से बेटा, थोड़ा सा ऐसे जगह बैठो जहां आवाज ना आए, ठीक
चलिए जो थर्ड है बेटा हमारा, जो थर्ड है चैप्टर वो क्या है, अ ट्रिप टू भोपाल। अच्छा सब लोग ट्रिप पे जाना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट क्या ट्रिप पे जाना चाहते हैं? टेल मी, क्या सभी स्टूडेंट ट्रिप पे जाना चाहते हैं? यस सर, ट्रिप पे चले, ट्रिप पे चलेंगे। आपका थर्ड चैप्टर है, यस सर, आपका थर्ड चैप्टर है ट्रिप टू भोपाल, है ना? तो हम लोग ट्रिप करने जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, जब कोरोना खत्म हो जाएगा। तो अगर हम अपने चैप्टर थर्ड की बात करें ट्रिप करने के, तो हमें कहीं भी ट्रिप पे जाना है, घूमना तो सबको बहुत पसंद है, पसंद है ना? अच्छा, तो अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट, जैसे मान लो आपका फोर्थ क्लास है, ठीक है, आपके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, मान लो आपके फर्स्ट क्लास में 5 स्टूडेंट रेडी हैं जाने के लिए, ठीक है, सेकंड क्लास में 3 स्टूडेंट रेडी हैं, और थर्ड क्लास में आपके 4 स्टूडेंट रेडी हैं, और फोर्थ क्लास में आपके 7 स्टूडेंट रेडी हैं, और फिफ्थ क्लास में आपके 6 स्टूडेंट रेडी हैं। तो अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जाने के लिए रेडी हैं, बताओ जल्दी से आंसर, टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट हुए ट्रिप पे जाने के लिए, टेल मी आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रेडी टू ट्रिप? नो, रॉन्ग आंसर बेटा। क्लास फर्स्ट से लेके क्लास फिफ्थ तक बताना है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए हैं रेडी। क्लास है 1 2 3 4 5, फर्स्ट में 5, सेकंड में 3, थर्ड में 4, फोर में 7 और फिफ्थ में 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? 25। किसने आंसर दिया? प्रेम, यस सर। यस कितने होंगे जल्दी से बताइए, यस। यस टेल मी जल्दी से। हर्षिका टेल मी, 25। कितना? 25 बेटा, नहीं 25 होगा। यस यस सर, गुड। देखिए 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। फिर 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। फिर 12 प्लस 7 कितना हो गया? 21। यस गुड, 19 सही है, आप लोग फोकस पे। फिर 19 प्लस 6 कितना हो गया? 25। गुड, सो आंसर इज 25। मतलब हमारा 25 स्टूडेंट्स रेडी है ट्रिप के लिए। ना अंडरस्टूड ना, किस तरह से फाइंड करना है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अगर मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो इस पे कर लेंगे सब लोग। गुड, चलिए अब हम बात करते हैं टाइम टू टेक एन टू कवर द ट्रिप। ओके, आप अगर ट्रिप पे जा रहे हैं तो ट्रिप पे जाएंगे तो उसके साथ और इम्पोर्टेंट चीज क्या देखेंगे आप, कि आप जितना ट्रेवल कर रहे हैं उतना टाइम भी लग रहा है ना? अगर आप घर से 7 o'clock अगर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो आप स्कूल कब पहुंचेंगे? मेबी 7:10, है ना? 7:07:10 पे या 7:15 पे, क्योंकि आपने क्या क्या है टाइम
टाइम जो आपने लगाया है यहाँ से वहां तक जाने में, मतलब डिस्टेंस कवर करने में, तो उसके साथ क्या आता है, डिस्टेंस के साइमल्टेनियसली साथ साथ हमारा टाइम भी चलता है। क्या चलता है? टाइम। डिस्टेंस के साथ साथ हमारा टाइम भी कवर होता है, क्योंकि हम डिस्टेंस जब कवर कर रहे हैं तो हमारा टाइम भी उसमें लग रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम समझ में आ गया सबको? डिस्टेंस मतलब जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं, और टाइम का मतलब कि जितना उस टाइम पे निकले थे और जितने बजे हम पहुंचे जिस जगह पहुंचना था, मतलब डेस्टिनेशन पे। तो दोनों तरह से समझ में आ गया हमें, डिस्टेंस मतलब जो हमने कवर किया और टाइम जितना उसको करने में लगा, मतलब जितना उसको कंप्लीट करने में लगा उस ट्रेवल को, उसको टाइम कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर मैं आपको आपकी क्लास के लिए कुछ, सबको पसंद है टॉफी, पसंद है सबको टॉफी? यस सर। पर बेटा कम खाना, कैविटी लग जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब हम बात करते हैं टॉफी की, तो सबको पसंद है। तो अगर टॉफी की बात करें तो टॉफी में देखेंगे आप कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें 10 टॉफीज हैं। कितनी टॉफी है? 10 टॉफीज हैं, और वो 10 टॉफीज को आपको ना 5 स्टूडेंट में बांटना है इक्वली। कितने स्टूडेंट में बांटना है? 5 स्टूडेंट में बांटना है 10 टॉफीज को इक्वली, बराबर होना चाहिए सबको। तो मैं जिससे पूछूंगा आंसर वही बताएगा, सब लोग सोच के रखेंगे, आंसर जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले हर्षिता, 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 बेटा टेल मी, हमारे पास 10 टॉफीज है एक पैकेट में, हमें इसे 5 स्टूडेंट में बांटना है, कितना कितना बांटेंगे इक्वली? कितना? गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या करना है, 2-2 बांटेंगे इसमें। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसी में मैंने अब 100 कर दी, अब 100 टॉफीज हैं। कितनी टॉफीज हैं? 100। शिखा, शिखा आप बताइए, इसमें 100 टॉफीज हैं, तो आप बताइए मुझे 10 पीपल्स में बांटना है, 10 स्टूडेंट में, कितने बांटेंगे? 10-10। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, यस, अब आपका नंबर है। आपके घर में बिस्किट आता होगा पार्ले जी, देखा है? यस सर। तो अगर पार्ले जी बिस्किट है आपके पास, और उस बिस्किट, एक बिस्किट के पैकेट में 14 बिस्किट है, ठीक है, और आपको उसको बांटना है कितने लोगों को? 7 स्टूडेंट को बांटना है, कितना कितना बांटोगे? 7 स्टूडेंट को बांटना है तो क्या सर? नहीं, प्रेम बताइए सर। 2-2। वेरी गुड, 2-2। चलिए अब इसके पीछे हम लॉजिक देख लेते हैं, कैसे कर पा रहे हैं हम, हमें से सोचना क्या और करना क्या है। देखिए बेटा, जब भी जितने दिया हो है ना, और जिसमें मैं बांटना हो, जो जितना हमें पहले से गिवन होता है जिसमें बांटना है उसमें हम डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? सबको पता है डिवाइड किसे कहते हैं? सबने देखा ना ऐसे डिवीजन वाला साइन। अब हम क्या करते हैं, yes, जितने हमारे पास गिवन है, जैसे 14 था तो हमने 14 अंदर लिख लिया, और कितने स्टूडेंट को देना था? 7, तो हमने 7 यहाँ लिख दिया बाहर। अब 7 के जो टेबल आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें 14 कितने टाइम्स आता है? यस, 7 का टेबल आता है आपको? 7 का टेबल, हाँ आता है बेटा। 14 कितने टाइम्स में आएगा 7 के टेबल में? 2। यस, गुड। तो यहाँ 2 लिख दिया, 14, सो कैंसिल,
सो आंसर इज टू. इट मीन्स हर जो स्टूडेंट को हम बांटेंगे वो टू टू बिस्किट बांटेंगे. ठीक है, यस समझ में आ गया आप? यस सर. गुड. इसी तरह बेटा हमने जो किया था वो 100 वाला किया था. तो 100 वाले के लिए भी एक बार हम समझा देते हैं, जिसको समझ में नहीं आया वो कर लेगा. हमने बात की थी 100 टॉफी की, तो 100 टॉफियां लिखा है और हमें 10 स्टूडेंट में बांटना था. तो 10 का टेबल आता है? यस सर. तो बोले 10 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आएगा? 10. गुड. सो 10 टाइम्स में आएगा, इसका मतलब 100 कैंसिल. सो कितने बांटेंगे हम? 10 टॉफीज बांटेंगे हर स्टूडेंट को. अच्छा, अब हम बात करते हैं ईयर्स की. इसी चैप्टर में आपका कुछ रिलेटेड है ईयर. सबको पता है ईयर किसे कहते हैं? ईयर. दिस इज नॉट ईयर, है ना? तो ईयर्स जिसे आप कहते हैं, वन ईयर कंप्लीट हो गया, टू ईयर कंप्लीट हो गया, है ना? ईयर सबको पता चलेगा किसे कहते हैं? कौन सा ईयर चल रहा है? 2020. गुड. सो 2020 चल रहा है. तो आप अगर मे भी हो सकता है आप 5 ईयर ओल्ड हो, है ना, 7 ईयर ओल्ड हो या 10 ईयर ओल्ड, पता है ना आपको? सब अपना एज क्या बताते हैं जब मैं पूछूं. अच्छा, मैं पूछूं प्रेम से, प्रेम हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड यू आर, तो कितने बोलोगे आप? 10 ईयर. ओके, सो बोलोगे आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, है ना? इसी तरह प्रे यस आप बताइए. सर आई एम 8 ईयर्स ओल्ड. ओके गुड. शिखा बताइए आप. 10 ईयर्स ओल्ड. ओके. हर्षिता आप बताइए. 10 ईयर्स ओल्ड. अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, ये दीपक यादव जी से आईडी से कौन लॉग इन है? दीपक यादव बेटा, स्टूडेंट का आवाज नहीं आ रहा. दीपक यादव से कौन स्टूडेंट लॉग इन है? अच्छा चलिए, खो छोड़िए, हम आगे चलते हैं. अगर हम बात करते हैं बेटा अब बस की, सब लोग ट्रेवल करते हैं बस में? यस सर. सो बस में ट्रेवल करते हैं, चलिए अब हम भी बस में ट्रेवल करने चलते हैं. ठीक है, यही पे बस में ट्रेवल करने के लिए चलते हैं. चलिए, चलिए देखिए, यहाँ पर एक बना दिया हमने बस. एक बस बना दी और उस बस में हमें जाना है ट्रिप. कहाँ जाना है? बस से हमें ट्रिप पे जाना है. तो और ट्रिप पे जाने के लिए ना 50 स्टूडेंट रेडी हो गए हैं. कितने हो गए? 50 स्टूडेंट रेडी हो गए हैं. तो आप मुझे बताओ, इस बस में ना जो नंबर ऑफ सीट है वो है 25. कितनी सीट्स हैं? 25. इस बस में 20 सीट्स है, 25 सीट्स हैं. तो बताओ नंबर ऑफ कितने बसेस अरेंज करनी पड़ेगी हमें? 1. किसने कहा था? नहीं बेटा गलत. हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 50 हैं और इस बस में जो सीट है वो है कितनी? 25 सीट है ओनली. तो 25 सीट है तो कितने नंबर ऑफ बसेस चाहिए हमें? 2 बसेस चाहिए. तभी तो, क्योंकि एक बस में तो 25 आ गए और दूसरे बस में 25, तो 25 कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे. आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड. अच्छा, अब आप बताएंगे, अब आप फीडबैक देंगे, आज की क्लास जो है आपको समझ में आई? आज की क्लास समझ में आया आपको? जो सर ने पढ़ाया समझ में आया सारा? यस सर. चलिए, आप लोग बेटा, आप लोगों के पास तो बुक होगा. अगर बुक नहीं होगी बेटा तो बुक परचेज कर लीजिए. बेटा अगर बुक नहीं है तो परचेज कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत जरूरी है. तो सर के पास तो बुक नहीं है, पर सर तो डिजिटल मोड में पढ़ा रहे हैं,
क्योंकि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो सर के पास ऑनलाइन बुक भी है, तो हमने क्या करना है उससे हम बता देंगे आपको क्या क्या करना है, तो आपको उससे फिर कंप्लीट कर लेंगे घर पे, ठीक है। तो उसमें मैं एक दो चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता था, वो मैं बात कर लेता हूँ अभी, उसके बाद हम क्लास डिस्कनेक्ट करेंगे। और बेटा चैट बॉक्स में एक बार चलो नाम, मैं तो नाम पता चल गया 4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिफ्थ वन कौन है समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वो कुछ आंसर्स नहीं दे रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ इमेजेस जो मैंने आपके लिए क्लिक करके रखे हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर आपके घर में रेलिंग है, रेलिंग जिसको बालकनी में खड़े होते हैं ना, तो आप ये कोशिश करना पेरेंट्स से पूछना या मेजर करने की कोशिश करना कि वो रेलिंग कितना बड़ा है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक ट्रक में मान लो अगर 1000 ईट्स ब्रिक्स आते हैं एक ट्रक में, तो 10,000 जो ब्रिक्स हैं वो कितने ट्रक लगेंगे, है ना। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। मैं आपको है ना अभी क्लास के थोड़ी देर बाद आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा, उसी के बाद ना एक स्टोरी है, एक पोयम है, ठीक है। उस पोयम को पढ़ना है सबको, उस पोयम के पढ़ने के बाद नीचे 3-4 क्वेश्चंस है उसको करना। और हाँ, किसी भी क्वेश्चंस को करने में आपको डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो बेटा ग्रुप पे मैसेज नहीं करना, मेरे नंबर पे पर्सनली मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा कि क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। ग्रुप पे किसी को नहीं करना है। यस सर। कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर नहीं, वो आपको मैं भेज दूंगा, आप देख लेंगे, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, जो रिविजन करना है आपको, जैसे हमने आज रिविजन किया। तो थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा इतने दिन बाद बच्चों के साथ मिलके और आप लोगों के साथ मिलके। आपको कैसा लगा? Yes, sir. Okay. Bye, student. Bye, sir. कल मिलेंगे ऑन टाइम, ठीक है।